आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही कुरकुरे बहुत ही इजी रेसिपी के साथ ब्रेड पिज्जा, जिसे हम बनाकर बहुत ही जल्दी से तैयार कर लेंगे और इसमें ना ही कोई चीज डलेगा और ना ही कोई सॉस लगेगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं ब्रेड पिज्जा। ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप सूजी, आधा कप फ्रेश मलाई, थोड़ी सी टमाटो केचप, एक चौथाई चम्मच नमक, यहाँ मैंने छोटी शिमला मिर्च को चॉप कर लिया है, एक छोटा प्याज चॉप कर लिया है, एक छोटी सी गाजर चॉप कर ली है, दो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। सूजी के अंदर हम अपना सारा सामान डाल लेंगे, मिर्च, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और नमक और मलाई। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक मिक्सचर बना लेंगे। सभी चीजों को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर पीली लाल शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तीन ब्रेड ले ली हैं। इसके ऊपर हम सबसे पहले लगाएंगे अपनी केचप। सभी ब्रेड पर मैंने यहाँ पर केचप लगा ली है। अब हमने ये जो मिक्सचर तैयार किया था इसको ब्रेड पर अच्छी तरह से लगा लेंगे। सभी ब्रेड पर मैंने यहाँ पर मिक्सचर अच्छे से लगा लिया है। यहाँ पर मैंने तवे को गरम कर लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ऑयल। ऑयल को हम चारों साइड फैला देंगे। गैस की फ्लेम हमारी लो है और यहाँ पर हम इस तरह से ब्रेड को रख देंगे सिकने के लिए। दो से तीन मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे सिकने देंगे और फिर हम इसके ऊपर इस तरह से ऑयलिंग कर लेंगे। अब हम इसको पलट देंगे। सभी पिज्जा को मैंने यहाँ पर पलट दिया है। बहुत ही अच्छी तरह से हमारा यहाँ पे गोल्डन कलर आया है। अब हम इसको भी तीन से चार मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। बीच बीच में हम इसको इस तरह से दबाते रहेंगे। जितना आप इसको लो फ्लेम पर बनाएंगे उतने ही हमारे चीजी और क्रिस्पी बनेंगे। तीन से चार मिनट हो गए हैं, इस तरह से दबाते हुए मैंने इनको यहाँ पर सेक लिया है। अब हम इनको पलट देंगे। बहुत ही अच्छा हमारा पलटने के बाद कलर आया है। इसी तरह से इनका कलर आना चाहिए, गोल्डन ब्राउन। अब हम फिर से इस पे इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अब हम इसको एक बार फिर से पलटेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से ये हमारे सिककर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ब्रेड पिज्जा हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं। जो इसके मलाई का टेस्ट है वो बिल्कुल हमें चीज का फ्लेवर देगा, तो इसलिए आप इसे अपने घर में जरूर बनाएं। बहुत ही कुरकुरे चीजी ब्रेड पिज्जा हमारे यहाँ पर बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू।